Pamita ji, good morning. Good morning. Please come in. Huh? Come in. Aiyah, aiyah. Ah, yeah. Aiyah, aiyah. Sit down. Ah, yeah. Aiyar bhai, baare gaye? Nahin. कोई जो काम था आपको? नहीं नहीं वो आप दिखे नहीं इसके लिए पूछ रहा था। तो अब दिख गया ना? बबीता वो बैंक का मैनेजर हेड ऑफिस से चला गया तो आज भी हमारा काम रह जाएगा। प्लीज हरी अप। हाँ जेठा जी बताइए। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बबीता जी। किस लिए? अरे आपने बताया नहीं क्या? अरे बबीता जी स्विमिंग का टीचर बन गए हैं? सबको ऐसा ऐसा तैरना सिखाते हैं? तो इधर मैं बताने का क्या है जेठालाल? भगवान ने वो क्या बोलते हैं इतना स्पेशल हो टैलेंट टैलेंट दिया है तो बताना तो चाहिए ना भाई। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल, चेस में चैंपियन, डिबेट में भी चैंपियन, मैथमेटिक्स में ऑलवेज नंबर वन। बबीता जी नहीं ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये सब टैलेंट मेरे में कूट कूट कर भरे हैं। अच्छा अच्छा तो अब मेरा को कांग्रेचुलेशन नहीं करोगे? अरे हाँ आपको भी कांग्रेचुलेशन है भाई। थैंक यू ओके अब चलो। एक मिनट यार भाई एक मिनट, एक और बात बबीता जी आपसे करनी है। क्या? एक दो मिनट जरा शांति रखो, बोल रहा हूँ। बबीता जी वो ऐसा था क्या, दुकान में पूरा दिन बहुत घिराकी रहती है तो दोपहर का जो टाइम होता है ना वो लंच टाइम जिसको बोलते हैं तो वो टाइम में क्या होता है बहुत गिराक लोग नहीं आते क्या, धूप में निकलते नहीं कोई खरीदी करने के लिए, तो थोड़ा वो एक से तीन का जो टाइम है ना उसमें थोड़ा मैं फ्री रहता हूँ तो मैं सोच रहा था कि ओ एक से तीन के टाइम में और फ्री टाइम में कुछ टाइम का उपयोग करे, मतलब मैं एक से तीन में ओ क्या स्विमिंग सीख सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं। बबीता अरे एक से तीन में यह स्विमिंग कैसे सीख सकता है? क्यों नहीं सीख सकते? हाँ क्यों नहीं सीख सकते भाई? अरे लेकिन अरे क्या लेकिन, बबीता जी ने बोल दिया। बबीता जी थैंक यू, बबीता जी थैंक यू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। पहला मुझे अंदर ही अंदर बहुत घबरामण हो रही थी कि पता नहीं आप ना बोलेंगे तो, लेकिन आपने तो हाँ बोल दिया, एक से तीन मजा आएगा। तो ठीक है मैं 1 बजे सिल्वर क्लब पहुँच जाऊंगा, आप आज से मुझे स्विमिंग सिखाना शुरू कर देना। अरे नहीं नहीं मैं आपको स्विमिंग नहीं सिखा सकती। क्यों? क्योंकि सिल्वर क्लब में एक से तीन का टाइम सिर्फ लेडीज के लिए है। अभी आपने बोला ना एक से तीन में मैं सीख सकता हूँ। हाँ पर मुझे नहीं पता था कि आप सिल्वर क्लब की बात कर रहे हो, मुझे लगा आप जनरली कहीं किसी और जगह सीखने की बात कर रहे हो। अरे कहीं और सीखने की बात मैं आपसे क्यों करूँगा? क्या कुछ नहीं भाई जेठालाल, हमको बैंक जाने के लिए लेट हो रहा है तो फिर आप चलो। हाँ हाँ ठीक। आपका घर में बैठा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो निकलता हूँ। ओके यार भाई चलो। सॉरी जगह कम है ना उसमें धक्का लग गया, सॉरी। ये कैमरा एकदम लेटेस्ट है भाई साहब, फंक्शन तो इतनी इजी है कि बच्चा भी यूज कर सकता है। अंकल मुझको ऐसा कैमरा चाहिए इसका जूम एकदम पावरफुल हो। अच्छा अच्छा तो ऐसा बोलो ना बेटे कि जूम पावरफुल चाहिए। ये देखिए इसका जूम बहुत ही पावरफुल है, हमारे सेठ जी भी यही कैमरा यूज करते हैं, है ना सेठ जी? आप भी यही कैमरा यूज करते हैं ना? हाँ इसका जूम पावरफुल है ना? बढ़िया बढ़िया पावरफुल है एकदम। अगर यहाँ से मैं सामने वाली बिल्डिंग पे जूम करूंगा तो यहाँ से होगा? ये किस काम के लिए चाहिए कैमरा तुमको? पर्सनल यूज के लिए चाहिए। जाएगा उधर तक जूम, कोई गलत सलत फोटो मत निकालना भाई।
क्या बॉस आप भी। अंकल कितने का है कैमरा? सिर्फ 8,200। ठीक है दे दो। लीजिए एक मिनट। ठीक है ठीक है। ओके बॉस थैंक यू चाचा। ओके हाँ जी। क्या सेठ जी आप भी ग्राहक के साथ ऐसी बात करते हैं? अरे वो कैमरा कैसे भी यूज करे हमें क्या मतलब है? हमें तो सिर्फ कैमरा बेचने से मतलब है। सेठ जी क्या बात है, आपका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है? नहीं 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 ऐसी कोई कुछ बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है? आपका मुंह साफ चाड़ी खा रहा है कि आपका मूड ठीक नहीं है। सेठ जी अभी 2 मिनट में मैं आपका मूड ठीक कर देता हूँ। चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं। अरे धंधे के टाइम पे क्या गेम खेलते हैं? धंधा हुआ ना, अभी कैमरा बेचा ना। मैं आपको जो जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब आपको सिर्फ हाँ या ना में देना है। तो चलिए गेम अब शुरू होती है। 1, 2, 3। आपका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है? बोलिए बोलिए सेठ जी, आपका नाम जेठालाल चंपकलाल गड़ा है? हाँ। आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक हैं? हाँ। आप दिलदार हैं? हाँ। आप मेरी पगार बढ़ाएंगे? हाँ। हाँ बोल दिया, अभी आपको मेरी पगार बढ़ानी पड़ेगी। गेम खत्म। लेकिन आपने बोला ना गेम है तो गेम में। अरे गेम हो या हकीकत हो, सेठ जी मर्द अपनी जबान से कभी मुकरता नहीं है। चलो ठीक है मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा बस। थैंक यू वेरी मच सेठ जी। नड्डू काका इसमें अभी मेरी बारी आएगी नहीं? हाँ हाँ क्यों नहीं, आप भी मुझे सवाल पूछ सकते हैं, पूछिए। तैयार 1, 2, 3। बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आपके बगैर चल सकता है? ना। आप हिसाब में कच्चे हैं? ना। आप काम चोर हैं? ना। आपको अपनी पगार बढ़ानी है? ना। अभी ये गेम खत्म हुआ। गेम खत्म। पौना एक गया स्विमिंग सीखने के लिए जा रही होगी शायद, फोन करके पूछता हूँ। हेलो। हाँ दया घर पर ही है? हाँ क्यों? नहीं मतलब स्विमिंग सीखने नहीं गई? ओहो थैंक यू। थैंक यू क्यों? अरे आप मेरी इतनी फिकर जो करते हो, मेरा इतना ख्याल जो रखते हो। ख्याल तो रखना पड़े ना भाई। अच्छा बोलिए फोन क्यों किया था? बस ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। अच्छा मुझे बताइए जब मैं आपको बिना कुछ काम के ऐसे ही फोन करती हूँ तो आप क्या करते हो? क्या करता हूँ? आप मुझे डांटते हो। तो तू भी कभी मुझे डांटना चाहती है? जी, ये आप क्या बोल रहे हो? फिर कभी ऐसा मत बोलना। मैं भारतीय नारी हूँ, अपने पति को डांटना तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आपको बस इतना ही समझना है कि जब भी मैं आपको फोन करूं तब आप मुझे डांटना मत। मेरी बिलिंग को समझना। बिलिंग? अरे भावना लागणी। अरे वो बिलिंग नहीं डबी पीलिंग पीलिंग। अच्छा लेकिन आप समझ गए ना बस। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, मुझे स्विमिंग के लिए निकलना है। हे भगवान कहाँ रह गए ये लोग? अरे कोमल भाभी कितनी देर लगा रहे हो, जल्दी चलो। अंजलि भाभी मैं तो आ गई, बाकी सब कहाँ हैं? दया भाभी? अरे कोमल भाभी मैं यहाँ हूँ। आ गई दया भाभी।
सॉरी अंजलि भाभी, बहुत सॉरी। पानी क्या इंतजार कर रही हूँ मैं आप सबका। तय भाभी आपको इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी, वो क्या है, नाश्ते के लिए कचोरी और खाखरा पैक कर रही थी ना, तो उसमें देर हो गई। अरे नाश्ता वो कुड़ाई माधवी भाभी जल्दी चाहिए। हाँ। अरे दया भाभी, हम लोग वहाँ स्विमिंग सीखने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक के लिए नहीं। हाँ, लेकिन अब नाश्ता ले ही लिया है तो पिकनिक भी कर लेंगे। नहीं तो रास्ते में आते जाते नाश्ता कर लेंगे। रोशन भाभी इतनी देर क्यों हो गई आपको? हाँ अरे अंजलि भाभी आप मुझे क्यों बोल रहे हो, मैं तो कब से तैयार थी बाबा। माधवी भाभी को बोलो एंड मोमेंट पे अचार पापड़ के सैंपल बनाने बैठ गई थी। अरे वाह, अचार पापड़ के सैंपल स्विमिंग पूल में क्यों? अरे अंजलि भाभी वहाँ पे बहुत सारी औरतें आएंगी ना स्विमिंग के लिए, तो उनको वो अचार पापड़ का सैंपल दे सकती हूँ ना मैं। बराबर है। अरे माधवी भाभी आप वहाँ स्विमिंग सीखेंगी या अचार पापड़ के सैंपल देती रहेंगी? मैनेज मैं कर लूंगी मैनेज। अरे बाबा अभी तो आप सब लोग आ गए हैं ना, तो फिर जल्दी चलिए। हाँ, मैं तो पानी में भूसका मारने के लिए एकदम तल पापड़ हो रही हूँ। क्या, कौन से पापड़? अरे मतलब उत्साही हो रही हूँ। हम लोग अभी स्विमिंग करने नहीं जा रहे हैं, हम तो वो बबीता जी है ना जो यहाँ पे स्विमिंग सिखाती है, उनसे मिलने आए हैं। कहाँ है बबीता जी? वो रही ऐसे या स्ट्रेट हैंड। ओके या बबीता जी, तो मजाक कर रही थी। अरे मजाक कर रहे थे। अरे दया भाभी मुझे बुरा नहीं लगा, उल्टा जो इंसान खुद पे हंस सकता है ना वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है। अरे हाँ एकदम साची बात है। देखो जरा स्विमिंग करते वक्त बबीता जी तो एकदम जनपरी जैसी लग रही है। हाय जो अगर बबीता जी आ गए। हेलो सिल्वर क्लब की स्विमिंग कोच आप सबका क्लब में स्वागत करती है। थैंक यू। क्या बात है बबीता जी, आप तो स्विमिंग करते वक्त एकदम जलपरी जैसे लग रही थी। आप सब भी जब पानी में आओगे ना तो आप भी जलपरिया लगोगी। अच्छा बबीता, ये सब तो जलपरी लगेंगी लेकिन मैं गोल्ड ट्यूब लगूंगी। अरे नहीं नहीं कोमल भाभी, आप भी रोज के रोज स्विमिंग करोगे ना तो हम लोगों के माफिक पतली हो जाओगी। अच्छा हाँ ठीक है तो मैं भी कोशिश करती हूँ। हाँ कोमल भाभी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और रविवार से पहले सोमवार नहीं होता है। दया भाभी ये कैसी शायरी है? मेरा ऐसा ही है, जो भी मुँह में आता है
शायरी बन जाती है। चलो चलो बहुत हो गया मजाक मस्ती, वहाँ चेंजिंग रूम में जल्दी से चेंज करके आ जाओ, ठीक है? कम ऑन, कुछ नहीं होता है, ठीक है? धीरे से, कम ऑन, ड्राइव ड्राइव, इट्स ओके, कम ऑन, ये, गुड जॉब, ये, गुड जॉब। चलो चलो जल्दी करो, लेट हो रहे हम लोग। क्या बात है? हाँ लेकिन मुझे जरा शर्म आ रही है। ओहो दया भाभी, क्यों? चलो शर्माना छोड़ो वरना तीन बज जाएंगे और हमारा लेडीज टाइम खत्म हो जाएगा। अरे हाँ हाँ बाबा जल्दी करो। एक फ्रेश लाइम सोडा स्वीट ले आना। बच्चा जी, अरे वो तो जेंस है। दया भाभी वो तो वेटर है। अरे वेटर हो तो क्या हुआ, है तो जेंस ही ना। दया भाभी वो तो क्लब का वेटर है, वो तो यहाँ पे आता जाता रहेगा। हाँ। अब उसमें क्या शर्माना, क्यों? हाँ दया भाभी, हाँ नहीं कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या करूं स्विमिंग का, कैसे जाऊं सिल्वर क्लब? सेठ जी एक नया गेम मेरे दिमाग में आया है जिसमें एक ही सवाल और उसका सिर्फ एक ही जवाब। नटो काका ये क्या नया गेम खेलने का धतिंग चालू किया आपने? यह दुकान है, कोई सिल्वर क्लब नहीं है। सिल्वर क्लब? सेठ जी ये सिल्वर क्लब क्या है? अरे यह सिल्वर क्लब वो जगह है जहाँ बबीता जी स्विमिंग सिखाती है, मुझे भी स्विमिंग सीखना है बबीता जी से। चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्विमिंग सीख के रहूंगा बबीता जी से। तीन बज गए।
कैसे डूबोगे? मैं हूँ ना। अरे बबीता जी, मैंने तो पहली बार स्विमिंग किया है, क्या मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है। देखा, मजा आया ना? अब सीख जाओगे ना तो और मजा आएगा। बबीता, मैं तो 3 दिन में स्विमिंग सीख कर तीसरे वाले से जंप करूंगी। देखते हैं, वेरी गुड, गुड स्विमिंग। चलो चलो चलते हैं अभी। चलिए। बहुत मजा आया। मजा तो बहुत आया, लेकिन अभी हाथ पैर भी उतने ही दर्द करने लगे हैं। अरे वो पहली बार स्विमिंग किया ना, इसलिए हाथ पैर दर्द होते ही है। हमें रोज प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो दर्द नहीं होगा। भाई मैं तो घर पर जाकर मस्त अदरक वाली चाय पीने वाली हूँ, आप लोग भी आइए, मजा आएगा। अरे नहीं नहीं दरबिन, अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ। अभी तो मैं घर पे आराम से जाकर 1 घंटा सोने वाली हूँ बाबा। ओहो, क्या रोशन भाभी, थक गई हूँ बोलते हैं। भाभी आपको थका नहीं लगी? अरे वही का है, मैं तो अभी भी 3-4 घंटे स्विमिंग सीख सकती हूँ और फिर भी मैं थकूंगी नहीं। दया भाभी, आपके जोश और स्फूर्ति का राज क्या है? गरबा और अहमदाबाद का पानी। क्या मतलब डेबिन? मतलब ये कि मैंने अहमदाबाद का पानी पिया है और हम अहमदाबादी कभी थकते नहीं, क्योंकि हम लोगों को बचपन से ही लगातार 7-8 घंटे गरबा खेलने की आदत होती है। और गरबा में भी हाथ पैर हिलाने के होते हैं और स्विमिंग में भी हाथ पैर हिलाने के होते हैं, तो फिर थकान कैसे लगेगी? वाह दया भाभी वाह, थैंक यू। चलो अभी निकले। हाँ चलो, नहीं चलो। माधवी भाभी, काश मैं छोटी बच्ची होती। क्यों? तो आप मुझे यूं गोदी में उठाकर मुझे घर तक छोड़ देती। कोमल भाभी, आप छोटी बच्ची होती ना तो भी मैं आपको उठा नहीं पाती। आपके बचपन की फोटो देखी है मैंने, तभी भी आप ऐसे ही थे। बहुत भूख लगी है। मुझे भी बहुत भूख लगी है बेटा। मैं तो सोचता हूँ कभी कभी कि काश। क्या पापा? काश मैं डॉक्टर की जगह हलवाई बन गया होता तो जब भूख लगती तब खाने को मिलता। पापा, आपका यह सपना मैं पूरा करूंगा। मैं बड़ा होकर हलवाई बनूंगा। मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ आज से। क्या बेटा, ये सब बातें बोलने के लिए अच्छी होती है? तुम्हें बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बनना है, तुम्हें बहुत पढ़ाई करनी है। ठीक है पापा, ट्राई करूंगा। ट्राई नहीं, करना ही है। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? किचन में क्या कर रहे हो? बहुत भूख लगी है। अरे हाँ कोमल, जल्दी खाना दो ना। क्या बात है यार, थोड़ा आराम तो करने दो। मम्मी बहुत भूख लगी है। हाँ मम्मी। नहीं नहीं कोमल, देखो ना, भूख के मारे जुबान भी लड़खड़ा रही है। आई नो हंस, पर आज स्विमिंग का पहला दिन था ना, तो मैं थोड़ी थक गई हूँ, तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। हम लोग होटल से खाना मंगाते ना प्लीज। तुम्हें स्विमिंग में मजा आया? अरे मजा क्या, बहुत मजा आया और हम सबने एंजॉय किया। फिर हम भी होटल से खाना ऑर्डर करके मजा लेते हैं। मैं तो कहता हूँ तुम रोज स्विमिंग का मजा लो, हम लोग रोज होटल के खाने का मजा लेंगे। क्यों गोली? अपने एरिया के सारे होटल तो जानता ही हूँ मैं। हाँ शगुन होटल। हाँ बलदेव भाई, डॉक्टर हंसराज हाथी बोल रहा हूँ। हाँ कुछ अर्जेंट ऑर्डर है लिखिए। सब्जी में 2 पालक पनीर, 2 पनीर मटर और 2 पनीर भुर्जी और 2 दाल फ्राई, 10 चीज नान, 2 जीरा राइस, 5 मसाला पापड़, 2 रायता और 5 प्लेट गुलाब जामुन।
हाँ एक मिनट होल्ड कीजिएगा कोमल गोली, मैंने अपने खाने का ऑर्डर कर दिया है, तुम लोग क्या खाओगे? पापा आपने जितना ऑर्डर किया ना उतना ही मेरे और मम्मी के लिए। अच्छा हाँ बलदेव भाई जो मैंने ऑर्डर किया ना उसका डबल कर दीजिए। हाँ जरा जल्दी भेजिएगा। ओके थैंक यू। अरे रामा बोलिए। आप नहीं हो, बहुत हाथ पैर दर्द कर रहे हैं। अरे 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 माधवी एक दिन में तुम इतनी थक गई, बहुत नाजुक हो। थैंक यू। अरे तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ मैं, एक दिन में इतनी थक गई तुम। अरे हमारे जमाने में आहो बस पहले से हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, अगर आपके जमाने की बातें शुरू हो गई ना तो सिर दर्द भी चालू हो जाएगा। ठीक है फिर तुम्हारे इस दर्द पर मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय, कल से स्विमिंग बंद। काय तुम्ही पर शुरू शुरू में स्विमिंग में थकान लगती है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, लेकिन अब जो ही बंद क्या मजा आया स्विमिंग में। आया ना, वेरी गुड वेरी गुड शाबाश। जरा जल्दी से पानी लेके आइए ना स्विमिंग के लिए, पीने के लिए। माधवी काय तू कठिन है, पानी। जरा पंखा चालू कीजिए ना। आओ जरा पैर दबा के दीजिए ना। है? प्लीज प्लीज बर हट दाबा बर हट ऐको दुखत है क्या मम्मी? इधर दुखल है यहाँ का वो खुदा है दुखी रही हूँ। रोशन मेरी जान, दिल तुझ पे कुर्बान, देख तेरे लिए गर्मा गर्म खाना आ गया, गर्मा गर्म रोटी और वेज कोल्हापुरी एकदम तेरे जैसे तीखी। आजा आजा खाते हैं खाना। ओए पापा तुझे ग्रेटा सिंगर्स किंग। ओए थैंक यू मेरे प्रिंस। ओए किंग की क्वीन, और तेरे लिए स्वादिष्ट एकदम गर्मा गर्म खाना तैयार है, चला मिलजुल के खाते हैं। रोशन थैंक यू वेरी मच, यू आर अ डार्लिंग। यू नो व्हाट, आज स्विमिंग करने की वजह से मुझे इतनी थकान और इतनी भूख लग रही है कि पूछो ही मत, पर यू नो स्विमिंग करने में मजा बहुत आया। ओए रोशन मेरी जान, और मैं अपने हाथों से तुझे खाना खिलाता हूँ, फिर देख तेरे को और भी मजा आएगा। मेरी किंगी क्वीन सच्ची मुच्ची। ओ खुदा है, बोलो बोलो आजा बेबी पुत्र, आ मेरी जान आजा जी आजा। थैंक यू। ये आया वेज कोल्हापुरी। क्या बताऊँ आपको, बबीता जी ने फिर मुझे कहा कि दया भाभी एक हाथ ऐसे करते हैं दूसरा हाथ ऐसे करते हैं, तो मैंने कहा अरे ये तो गरबा की उल्टी ताली हुई, मतलब गरबा में हम ऐसा करते हैं और स्विमिंग में हम ऐसा करते हैं ऐसे ऐसे, फिर मैंने एक हाथ ऐसे किया फिर दूसरा हाथ ऐसे किया, फिर धीरे धीरे करते पास करने लगी, फिर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पानी में तैर नहीं रही हूँ। कितनी स्फूर्ति बची है अभी भी तेरे में, इतना स्विमिंग करके आई तो थक नहीं गई? नहीं नहीं, अरे मेरी माँ कहती है कि थकते वो लोग हैं जो दिमाग से थके हुए होते हैं, मैं तो अभी भी एक घंटा तैर सकती हूँ। और मैं क्या बताऊँ, आप मानोगे नहीं, बबीता जी इतना अच्छा स्विमिंग सिखाते हैं कि वो किसी को भी दो दिन में स्विमिंग सिखा सकते हैं। अरे बबीता जी तो मछली की तरह तैर रही थी, मैं तो उनको ही देख रही थी, और आप वहाँ होते ना तो आप भी उनको देखते रह जाते। देखा है भाई, मुझे भी देखा है। अरे
अरे वो बबीता जी, बबीता जी नहीं है, बबीता जी जल परी है, जल परी। क्या बताऊ आपको, उन्होंने पानी में ऐसी नहीं मारी, ऐसी नहीं मारी कि मैं मन ही मन बोल पड़ी वाह क्या नहीं मारी है। बस 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 करो यार, तुम्हारा स्विमिंग पुराण बंद करो। स्विमिंग स्विमिंग स्विमिंग। आपको अचानक क्या हो गया, आपके पेट में गड़बड़ है? नहीं मतलब गड़बड़ हो तो ठंडी सोडा पीकर आइए, अच्छा हो जाएगा। मुझे कोई सोडा वोडा नहीं पीनी है। तुझे पीनी है तो तू पे के आ जा। अचानक इनको क्या हो जाता है, पहले शांति से सुनते फिर अचानक गुस्सा हो जाता है तो पत्नी को बुरा नहीं लगे तो क्या लगे? मुझे भी बनना है जड़परा। बबीता जी तो जल परी है, जल परी। बबीता जी तो जल परी है, जल परी। अगर आप वहाँ पर होते तो आप उनको देखते ही रहते। अगर वो चाहे तो किसी को भी दो दिन में कल चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बबीता जी से स्विमिंग सीख कर आऊंगा। उसके लिए मुझे साम दाम दंड भेद कुछ भी इस्तेमाल करना पड़े मैं करूंगा, लेकिन बबीता जी से कल मैं स्विमिंग सीख कर आऊंगा। भाती भाई होटल से इतना सब कुछ मंगाने के बाद भी पेट नहीं भरा। भाई मेरा तो ऐसा ही है, क्या करूं, कितना भी खाना मंगाऊं कमी पड़ता है, जजमेंट ही नहीं मिलता। जजमेंट कहां से मिलेगा, एरिया कितना बड़ा है। सही बात है। ओहो क्या बात है, आइए आइए लैला मजनू। अरे भाई जोड़ी मिसाल तो ठीक दे भाई, अरे लैला मजनू की लव स्टोरी तो ट्रेजिक लव स्टोरी है। मजनू ने तो लैला के लिए पत्थर खाए थे, मिल ही नहीं पाया बेचारा। हम तो ओ मेहता साहब, मैं लैला मजनू के प्यार मोहब्बत और रोमांस की बात कर रहा हूँ जी। फिर ठीक है जोड़ी। वैसे थैंक यू जोड़ी भाई, आपने हमें रोमांटिक कपल तो कहा, मानती हूँ आपके मेहता साहब मुझसे प्यार करते हैं, पर मुझसे ज्यादा वो अपनी किताबों से प्यार करते हैं। ये एकदम सही बात कही आप नजली भाभी। अरे भाई लेखक अगर किताब और कलम से मोहब्बत नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन जनाब की मोहब्बत, इनकी मोहब्बत तो सलाद के शुरू और सलाद में खत्म। और बीच में कभी ज्यादा प्यार उमड़ गया तो करेले का जूस तो है ही। अभी भी मालूम है, रेस्टोरेंट में गए, मोहतरमा बड़ी थक गई थी ना स्विमिंग करते करते, भाई खाना घर नहीं खाएंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे। रेस्टोरेंट में जाके क्या खाया पता है, सलाद। सलाद के पैसे दे के आ रहा हूँ भाई। अरे क्या गलत किया, अरे डॉक्टर को ज्यादा फीस देने से तो अच्छा है ना सैलेड के पैसे दे, सच कहा ना भिड़े भाई। हाँ सही बात है, बिल्कुल गलत बात है। आप जैसा अगर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया ना तो डॉक्टर तो बेचारे भूखे मर जाएंगे। सही बात है। तो आप तो यहाँ खड़े रहकर गप्पे मारेंगे, मैं घर जाती हूँ, मुझे चाबी दीजिए। जरूर जरूर, चलो आते हैं थोड़ी देर में। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे मुझे कहा कि गुड नाइट, मैं तो घर आ ही रहा हूँ। मेहता साहब कौन सी होटल में सलाद खाने गए थे? अरे वो है ना यार भाई, अपना बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है सिम्फनी। अरे हाँ हाँ बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट है। हाँ रोशन भी आज बहुत थक गई थी तो हमने भी खाना होटल से मंगाया और मैंने उसको अपने प्यारे प्यारे हाथों से खिलाया, बहुत खुश हो गई वो। अरे माधवी भी इतनी थक गई थी कि उसके हाथ पैर दर्द करने लगे थे। और आपने उनके हाथ पैर दबाए होंगे? और नहीं तो क्या। फंस गया फंस गया। अरे वे औरतें अगर इतनी थक जाती है स्विमिंग सीखने से तो उनका स्विमिंग जाना ही कैंसिल कर दो। अरे पोपट लाल, ए पोपट बेड़ा इसका, इसको उड़ा के फेंक देना पड़ेगा यहाँ से। क्यों कैंसिल कर दे? अरे औरतें थक गई थी लेकिन उन लोगों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया कि पूछो मत। हाँ कितना एंजॉय किया, एंजॉय किया। अरे यार जेठा लाल नजर नहीं आ रहा, आया नहीं क्या इधर? अरे हाँ जेठा बुरा कितने, मैं अभी उसको फोन करके पूछता हूँ। मैं साहब पूछो
सोटी। हाँ बोलो सोटी। और जेड़ा बड़ा किधर हो? सोडा पीने नहीं आए? नहीं आज जरा थक गया हूँ। थक गया हूँ? और तुम भी स्विमिंग सीखने गए थे क्या? नहीं भाई दुकान में जरा आज ज्यादा काम था। और आ जाना जेड़ा बड़ा सारे यार इकट्ठे हैं। नहीं नहीं आज नहीं आज नहीं। ओके गुड नाइट। और मेहता साहब जेड़ा बड़ा तो थक गया है वो तो नहीं आ रहा। चलो भाई उसकी मर्जी हम लोग भी चले घर। ठीक है। हाँ हाँ लैला मजनू का इंतजार जो कर रही है। भाई लैला मजनू का तो पता नहीं छोटी लेकिन भिड़े की राम आज भी भाभी जरूर देख रही होगी। हाथ पांव जो दबाने हैं। हाँ नटू काका। अरे हाँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के नटू काका सुनिए जठालाल बोल रहा हूँ। मैं जरा गोरेगांव होके आ रहा हूँ। और क्या उधर वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम का कुछ एग्जीबिशन लगा है तो जरा देखता हूँ कुछ नया प्रोडक्ट वोडक्ट आया हो तो। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि जरा संभाल लेना दुकान। छोटी छोटी बात में मुझे फोन मत करना ठीक है। ओके चलो जठालाल काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुरू कर दो अपना मिशन सिल्वर क्लब। बाबूजी दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ पापा पापा आज हॉलीडे तो चलो ना जू चलते। टप्पू बेटा हॉलीडे है तो सब जानवरों को भी हॉलीडे मनाने दो। हाँ वैसे तो रोज सब लोग उनको परेशान करते ही है। हाँ तो पापा चलो ना कहीं और चलते। टप्पो अपने पापा को दुकान जाने दे मैं तुझे घुमाने लेके जाऊँ। हाँ बापूजी तो फ्री है। नहीं मतलब बराबर बोल रहे हैं बापूजी। अब बापूजी ले जाएंगे तुझे। तू बताइए दादाजी कब जाना है? पहले मुझे ये बता तूने अपना कमरा ठीक किया? टपूड़ा मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि अपना कमरा ठीक रखा कर। सारी किताबें इधर उधर पड़ी है। चल पहले कमरा ठीक कर वरना घुमाने नहीं लेके जाऊंगा। चल 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 बेटा चल। रास्ता क्लियर है निकल पड़ अपने मिशन सिल्वर क्लब पर। टप्पू के पापा क्या बात है आज आप बूंदी के लड्डू से बिखरे हुए बूंदी की तरह बिखरे बिखरे से क्यों लग रहे हैं? क्या बोल रही है तू? अरे मिसाल तो समझ में ऐसी दे। मेरा ऐसा ही है जो भी मुंह में आता है मिसाल बन जाता है। तो तुम्हारा मुंह में क्या बूंदी है भाई? तो खैर छोड़िए आप मुझे ये बताइए कि आज आप कुछ टेंशन में है? नहीं। हाँ तो फिर मुझे क्यों ऐसा लग रहा है? सुबह से देख रही हूँ हो न हो आपको जरूर कोई टेंशन है। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं निकल रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ हाँ जय जिनेंद्र। चलो अब फाइनली शुरू होने जा रहा है मिशन सिल्वर क्लब। इंसान बौखलाहट में जिस चीज के पीछे जितनी तेजी से भागता है उतनी ही तेजी से वो चीज उससे दूर भागती है। सफलता तभी मिलती है जब संयम और समझ हो। बरोबर है। अरे जेठालाल। ओहो ये अभी जरूर स्विमिंग पूल की कुछ बात करेगा। सुप्रभात। हाँ ठीक है। ए भाई क्या ठीक है क्या? अरे भाई मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर कोई सुप्रभात बोलता है तो सामने से हंसकर सुप्रभात बोलते है। सुप्रभात। बस एक मिनट कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं अंदर जा रहा हूँ। ये रास्ता किधर जा रहा है? बाहर। तो फिर क्यों पूछ रहे हो बाहर जा रहे हो? कुछ और पूछता हूँ। कल रात को सोडा पीने क्यों नहीं है? ओ जरा सो गया था। क्यों बहुत थक गए थे? कसा जमता तुला काय हेच
ये फालतू जी पंचायत। और जेठा बरा और सवेरे सवेरे कितने दुकान भाई और किधर दुकान? आज तो बैंक हॉलीडे है यार। अरे हाँ। लेकिन मैं कहा बैंक में काम करता हूँ भाई। हाँ ये बात भी सही है। और जेठा बरा कुछ मैनेज करो ना, आज छुट्टी वुट्टी का दिन है यार, चलो मिलजुल के कहीं जाते हैं, प्रोग्राम शुरू मनाते हैं। नहीं नहीं छोटी, मुझे दुकान में बहुत काम है भाई, मैं नहीं आ सकता हूँ। और चलो ना यार जेठा बरा, खूब मजा आएगा। अरे भाई बोला नहीं कर सकता हूँ भाई, हा? कभी किसी और दिन जाएंगे ठीक है। अरे क्या काम वाम में तुम लगे हुए, आज छुट्टी का दिन है, चलो ना यार मिलजुल के कुछ मैनेज करो, ट्राई करो, मजे शजा करेंगे, बल्ले चले करेंगे, गरबा शरबा हो, चलो चलो। इतनी रिक्वेस्ट कर रहा तो मान जाओ ना जेठालाल। हाँ भाई ये फ्री है, ये आएगा तुम्हारे साथ, जाओ जाओ जाओ। अरे जेठालाल, ओ जेठालाल, ओ पिडू, हाँ एक मिनट रुक मैं आ रहा हूँ। हाँ आजा आजा। ओ पिडू सॉरी, ये क्या भिड़ू भिड़ू लगा रखा है तुमने? अगर किसी विद्यार्थी ने सुन लिया ना कि तू मुझे भिड़ू कहके बुलाता है तो वो भी उसी नाम से बुलाने लगेंगे। गुड मॉर्निंग भिड़ू सर, कैसा लगेगा ये? और ये तो बहुत अच्छा लगेगा यार, और तू मेरा जिगरी दोस्त है भिड़ू। और कभी देखा मैंने जेठालाल को जेठू बुलाया? मैं तो आपको मैथू बुलाया या अय्यर को अय्यू बुलाया, मैं सिर्फ तेरे को बुलाता हूँ क्योंकि तू मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है पिडू। भाई ये तो बता काम क्या है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आज छुट्टी का दिन है तो चल कुछ ना मस्ती वस्ती करते हैं, प्रोग्राम शोग्राम बनाते हैं यार। सॉरी छुट्टी इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रोग्राम करना जरूरी है, जाओ जाकर भाभी जी के काम में हाथ बटाओ। और तू बटाता वैसे क्या प्रोग्राम क्या है? अब आया ना लाइन पे। मैं क्या कह रहा हूँ, रोशन बता रही थी कि स्विमिंग में वो खूब मजे कर रहे हैं, तो हम लोग भी चलते हैं ना उनके साथ, एक से तीन स्विमिंग करने और खूब मजे मजे करते हैं यार। सोड़ी जेठालाल की तरह बात मत कर यार। अरे एक से तीन सिर्फ लेडीजों का टाइमिंग है, हम लोग कैसे जा सकते हैं? यार मैं खाली जेंट्स लोगों की बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, हमारे बच्चे भी साथ में जाएंगे, हमारी फैमिली पूरी होता स्विमिंग करेगी यार। तेरी फैमिली वाला पॉइंट करेक्ट है, लेकिन मुझे नहीं लगता वो क्लब वाले परमिशन देंगे। अब पिड़े यार एक बार ट्राई तो करते हैं, बी पॉजिटिव यार। अरे ट्राई तो कर, एक काम करते हैं सोड़ी, हम लोग मेहता साहब के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, शायद वो कोई रास्ता निकाले। बिल्कुल, क्या बात है, तो मैं बाकी सबको भी बुला लेता हूँ। और डॉक्टर आती, और पोपट, मैं हड़ू। अरे भाई साहब, मैनेजर कहाँ मिलेगा? कौन सा मैनेजर? क्यों यहाँ कितने मैनेजर है? अरे यहाँ 5 मैनेजर है। हाँ एक बैंक मैनेजर है बल्ला साहब जो अभी जिम में है, एक मॉल का मैनेजर है जो कैंटीन में, और एक ट्रैवल कंपनी का मैनेजर है वो अभी सोनाबाद नहीं नहीं स्टीम बाट में है, एक और मैनेजर है जो अपने आप को मैनेजर तो कहता है लेकिन मुझे डाउट है कि वो मैनेजर ही है क्योंकि उसकी शक्ल क्लर्क जैसी है। एक और मैनेजर है भाई। हाँ। मैं क्लब के मैनेजर की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा क्लब का मैनेजर। तो ऐसा बोलो ना। अच्छा वो कहाँ मिलेंगे? केबिन में। तो उनकी केबिन कहाँ है? केबिन उधर है। अच्छा लेकिन आप मैनेजर साहब को नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि मैनेजर साहब केबिन में नहीं है। अच्छा तो वो कहाँ मिलेंगे? केबिन में। अरे भाई सुबह सुबह क्या भांग पी के आया क्या? अभी बोलते वहाँ नहीं मिलेंगे, अभी बोलते कैबिन में मिलेंगे, क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? अरे मेरा मतलब है कि आप कैबिन में जाके बैठिए, मैनेजर साहब राउंड पे निकले हुए हैं, वो आएंगे फिर आपको मिलेंगे कैबिन में। मैनेजर के आते ही उसको किसी भी तरह पटा लूंगा और फिर मैं सीखूंगा स्विमिंग बबीता जी से। आइए चलिए, आ जाइए आ जाइए, बैठिए बैठिए बैठिए, बैठिए डॉक्टर आदि, आराम से आराम से। क्या बात है भाई, गोकुल धाम की पूरी मर्द यूनियन साथ में, कोई मोर्चा वोर्चा तो नहीं है ना? आश्चर्य में डाल रहे हो आप लोग। नहीं कोई मोर्चा वोर्चा नहीं मेहता साहब, दरअसल हम सब लोग एक विचार लेकर आपके पास आए। सब लोग मिलके एक विचार लेके आए, ये तो और भी आश्चर्य की बात है। बताइए क्या विचार है? मेहता साहब वो एक विचार ये है कि आज छुट्टी है, बैंक हॉलीडे है,
और बच्चे भी सारे घर पर हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग गोकुलधाम की सारी औरतों के साथ स्विमिंग करने अपना वो कौन सा क्लब है भाई, सिल्वर क्लब चले। जरूर जाइए, विचार बहुत अच्छा है, लेकिन सिल्वर क्लब के कुछ नियम हैं, वो लेडीज के साथ जेंट्स को अलाउ नहीं करते स्विमिंग पूल पे। अरे मेहता साहब वो पता है हमें, लेकिन हम लोग फैमिली जा रहे हैं ना, मतलब बच्चे भी साथ में रहेंगे, और रोज कहाँ जाने वाले। बिल्कुल, आज तो छुट्टी इसलिए बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ भिड़े यार, तुम्हारी इस बात में जरूर दम है, ये फैमिली वाला जो पॉइंट है ये बात ठीक लगती है। क्या बात है, मजा आएगा मेहता साहब, स्विमिंग के बाद हम लोग कहीं बाहर जाएंगे, किसी अच्छी होटल में खाना खाएंगे। अरे हाथी भाई पहले स्विमिंग का तो तय हो जाने दो। और डॉक्टर हाथी, स्विमिंग में भी उतना ही मजा आएगा जितना खाने में आता है। खाने से याद आया मेहता साहब, खाने के लिए कुछ दीजिए ना, अंजलि भाभी कहाँ है? अंजलि गई है बाजार, जूस के लिए करेले खत्म हो गए, इसलिए फोन करूं अंजलि को कि डॉक्टर हाथी आए हुए हैं, जरा 1.5 किलो एक्स्ट्रा करेले लेके आना। नहीं, करेले के जूस से तो स्विमिंग ही अच्छी है। अरे अच्छा नहीं हाथी भाई, बहुत अच्छा है। अरे माधी बता रही थी क्या मजा किया उन लोगों ने वहाँ पे। अरे रोशन भी यही कह रही थी कि खूब मजे किए उन्होंने। अरे मेहता साहब कुछ करो ना, हम सबको भी स्विमिंग में एक साथ जाना है। अरे सॉरी, जाना ही चाहिए, ठीक है तुम्हारा उत्साह बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन दोस्त अगर हम क्लब वालों से परमिशन मांगे और उन्होंने परमिशन नहीं दी तो? अरे मेहता साहब मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमें स्विमिंग पूल जाने की परमिशन नहीं मिलती है तो हमें जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देना चाहिए। अरे ऊपर तुम अपना बोलना कैंसिल करो। अरे बोलना ही क्या, इसी को कैंसिल कर दो, यहाँ फैमिली स्विमिंग की बात हो रही है, तेरी तो कोई फैमिली है नहीं, तू तो अकेला है, कैंसिल कर दो। हाँ तो अपना आना कैंसिल कर दे भाई। एक मिनट, किसने कहा कि मेरी फैमिली नहीं है? मेरी फैमिली है, ये गोकुलधाम सोसाइटी मेरा परिवार है, टप्पू सेना मेरे बच्चों जैसी है, यहाँ की सारी औरतें मेरी बहनें हैं, चंपक चाचा को मैं अपने पिता समान मानता हूँ, अरे तुम सबको मैं अपने भाइयों से बढ़कर मानता हूं, शायद इतना बड़ा परिवार इस दुनिया में किसी का नहीं होगा। सोड़ी प्लीज, आज के बाद कभी ऐसा मत बोलना कि मैं अकेला हूं, मेरा परिवार नहीं है। ओए पोपट प्रा, सॉरी यार, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था यार, तू अपना गोकुलधाम सोसाइटी का बंदा है और तू अपना भाई है यार, तेरे दिल को अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी। सॉरी पोपट यार। इट्स ओके सॉरी, इट्स ओके। बाप रे, पोपट लाल लाला एकदम। पोपट तू ठीक है? हाँ ठीक हूँ भिड़े, ठीक हूँ मैं। ओ पोपट एकदम ठीक है यार, पर ये दुनिया हिला देता है, आज तो इसने मेरे दिल को हिला दिया। मेहता साहब अभी स्विमिंग का कैसे करें ये तो बताइए। हाँ हाँ, फिर मैं क्या सोचता हूँ कि हम चल के बबीता जी से बात कर लेते हैं, वो शायद कोई रास्ता निकाल ले क्लब में। मैं जेठालाल को भी फोन करके बुला लेता हूँ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, उसको फोन करके कोई फायदा नहीं है, मेरे अभी उससे बात हुई है, उसको आज दुकान पे बहुत काम है। बिजी है जेठालाल? ओ मेहता साहब, सवेरे मैंने उसको कितनी रिक्वेस्ट की है, वो तो सुनने को राजी नहीं है। नहीं जी, मेरे को दुकान पे जाना है, मेरे को धंधा करना है। अरे ऐसा होता है क्या, छोड़ दो, उसको फोन करने का कोई फायदा नहीं है। नहीं आएगा तो वही नुकसान में रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्साहित तो जेठालाल ही था, लेकिन मुझे लगता है एक बार फोन तो कर लेना चाहिए, शायद बात हो जाए। मेहता साहब, अभी उठाऊंगा तो बताना पड़ेगा मैं कहाँ हूँ, और अगर झूठ बोलूंगा तो तुरंत पकड़ लेंगे, क्या करूँ? जेठालाल ने मेरा फोन काट दिया। बस कहा था ना मैंने आपको, मानते तो हो नहीं आप, मतलब सचमुच बिजी है। चलो हम लोग चलते हैं बबीता जी के। चलो चलो भाई, आओ चलो। हाँ बोलिए। ये अन्याय है। अन्याय क्या हुआ, कौन है आप? मैं एक मर्द हूँ। अच्छा तो ये अन्याय। अरे भाई आपके सिल्वर क्लब में हम मर्द लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। देखिए आप खुलकर बताइए, बात क्या है? मुझे स्विमिंग करना है। तो कीजिए ना। अरे लेकिन मना कर रहे हैं। कौन मना कर रहा है? सब लोग। देखिए ऐसा नहीं हो सकता है। अरे हो नहीं सकता, क्या हुआ है? बोल रहे 1 से 3 के बीच में मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। ओ 1 से 3 के बीच में तो मैं भी मना करूंगा, क्योंकि वो लेडीज टाइम है। अरे भाई देखिए, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, वो मेरी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, अभी क्या दोपहर को 1 से 3 के बीच में ग्राहक कम रहती है, तो वही टाइम है जब मैं स्विमिंग सीख सकता हूँ। सॉरी सर, मैंने बोला ना
एक से तीन सिर्फ लेडीज के लिए। ओ मुझे पता है भाई, मेरे वाइफ भी इधर स्विमिंग सीखने को आते हैं, और जो स्विमिंग सिखाते हैं ना बबीता जी, वो हमारे पड़ोसी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बोल रहे आप परमिशन लेके आओ, तो आप जरा स्पेशल केस में परमिशन दे दो। सॉरी सर। अरे भाई चाहिए तो फीस डबल ले लो। अरे डबल क्या, सिंगल भी नहीं ले सकता, लेडीज टाइम में जेंट्स अलाउड नहीं है। अरे क्या तुम लेडीज जेंट्स की पिपुड़ी बजाते हो? अरे जरा बाहर देखो, अरे बाहर मतलब इधर नहीं, दुनिया में बाहर देखो, अभी लेडीज जेंट्स जैसा कोई फर्क रहा ही नहीं। लेडीज आजकल जेंट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती है, जेंट्स जैसे बाल रखती है, जेंट्स जैसे कपड़े पहनती है, अरे पायलट बनकर प्लेन उड़ाती है। अभी सेंट्रल रेलवे में तो एक लेडीज ट्रेन भी चलाती है, और हमारे राष्ट्रपति वो भी लेडीज है, और आप इधर बैठे बैठे लेडीज जेंट्स की पिपुड़ी बजाते हो, ये क्या है सब? सर हम यहाँ सिर्फ नौकरी करते हैं, मैनेजमेंट रूल्स बनाती है, हम तो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। सॉरी सर, हम कुछ नहीं कर सकते, और मेरे लिए कोई सेवा हो तो बोलिए। अरे और सेवा छोड़ो ना भाई, एक सेवा वो करो ना। सॉरी सर, कुछ नहीं हो सकता इसका? बिल्कुल नहीं सर। पक्का? क्या करूं या बबीता जी से स्विमिंग सीखने के लिए क्या करूं? आइडिया, जैसे एकलव्य ने बिना गुरु के तीर चलाना सीखा, वैसे मैं भी बबीता जी को दूर से स्विमिंग सिखाते हुए देखकर स्विमिंग सीख लूंगा। अरे लेकिन उसके लिए भी स्विमिंग पूल के अंदर तो जाना पड़ेगा ना, क्या करूं? एक काम करता हूँ, मैनेजर को फिर से जरा प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है शायद मान जाए। ठीक है। अरे ले कांति। अरे जेठालाल। ले तू कभी बचा उसे? अभी एक महीने पहले, और आते इधर नौकरी मिल गई। अरे वाह, अच्छा पोकरे से। अच्छा एक बात बता, ये मैनेजर के साथ तेरा कैसा है? बहुत खड़ूस है। क्यों क्या था? एक मिनट इधर। बबीता जी, आज हॉलिडे है, आपको पता ही है, कोइंसिडेंटली सबकी छुट्टी है आज। मैं ये सोच रहा था कि गोकुलधाम में हम सारे लोग मिलजुल के काम करते हैं, मिलजुल के पिकनिक पे जाते हैं, मिलजुल के त्योहार मनाते हैं। सो व्हाट आई वाज थिंकिंग, मेहता साहब पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए ना बबीता जी, हम लोग कल पटलाल हर बात मुंह फटो के नहीं की जाती है, मेहता साहब बात कर रहे हैं ना। मेहता साहब आप शुरू कीजिए। थैंक यू डॉक्टर आदित्य। सो बबीता जी, मैं क्या कर रहा था कि भाई गोकुलधाम की सारी लेडीज ने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया है कि स्विमिंग सीख रहे हैं, स्विमिंग सीख रही है, बहुत अच्छी बात है, और आज सबकी छुट्टी है, बच्चों की बड़ों की, तो मैं सोच रहा था सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ अगर वहाँ स्विमिंग करें तो कितना बढ़िया रहेगा। पर मेहता साहब, एक से तीन के टाइमिंग सिर्फ लेडीज के लिए है। देखिए वैसे आइडिया तो अच्छा है, पर मुझे जरा मेरे क्लब ओनर मिस्टर रॉय से बात करनी पड़ेगी, यू नो। बबीता जी आप उन्हें बिंदास धमकी दे दीजिए कि अगर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना तो गोकुलधाम की सारी औरतें जो हैं अपनी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगी। एक्सक्यूज मी, ए मजदूर यूनियन के लीडर, बात करने का तरीका होता है। देख बेटे, मुझे मजदूर सही कह रहा है बेटे, एकदम ठीक कहा तुमने आत्माराम। पोपड़लाल कोई भी बात शांति से समझ आई जाती है, अच्छा चिल्ला चोट नहीं करते उसमें। सही बात है। बबीता जी आप तो मिस्टर रॉय से बात कीजिए, और हम सबकी ओर से ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि हम उनके क्लब्स के रूल्स और रेगुलेशन हमेशा तोड़ने के लिए नहीं कह रहे, हम तो स्पेशल परमिशन चाहते हैं ये बैंक हॉलीडेज और छुट्टियों के दिन, ताकि उस दिन हम सारे परिवार वाले एक साथ स्विमिंग कर सके, हमारे लिए बस इतना सा करते। हाँ सही बात है, इससे क्या है कि मेंबर्स भी खुश होंगे और हो सकता है नए मेंबर्स भी बढ़े। ओके ठीक है, मैं भी बात करती हूँ। हाँ सर, कल तक दो ट्रेडमिल्स और आ जाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सर। वन सेकंड। या हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग सर, इज बबीता। हाँ गुड मॉर्निंग बबीता, हाउ आर यू? सर मैं आपसे दो मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ बोलो। सर हमारे स्विमिंग पूल के मेंबर्स के लिए एक प्रपोजल था। बबीता क्लब के फायदे के लिए हम हर प्रपोजल पे गौर करेंगे, बोलो। सर प्रपोजल ये है कि पूरा गोकुलधाम जो है वो बबीता बात कर रही है ना, कंटिन्यू।
सिर्फ छुट्टियों के दिन अगर लेडीज टाइमिंग 1-3 में अगर लेडीज मेंबर्स के साथ उनकी फैमिली मेंबर्स को भी अलाउ किया जाए तो यू नो इससे हमारे नए मेंबर्स बनने के भी चांसेस है। पविता प्रपोजल तो इंटरेस्टिंग है। ओके ओके मेरी तरफ से मंजूर है। ओके ग्रेट थैंक यू सर। वेलकम। हो गया। मुझे पहले ही पता था कि हाँ होने ही वाली है। पविता जी यू मेड इट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पविता जी हम सब की तरफ से मिस्टर रॉय का आभार जरूर मान रहे हैं। इट्स ओके तो हम लोग आज ही एक साथ स्विमिंग के लिए चलते ठीक है। हम औरतों के साथ स्विमिंग करने नहीं जाएंगे। अरे भाई बाद में हम और बच्चे पहुंच के उन्हें सरप्राइज देंगे। कांति मुझे मुझे किसी भी तरह स्विमिंग पूल में अंदर जाना है। अरे उसमें क्या चलने अभी ले चलता हूँ। अरे आप अभी नहीं दोपहर को 1-3 के बीच में। अरे दोपहर को 1-3 के बीच में तो लेडीज के स्विमिंग करने का टाइम है। अबे ओ मुझे मालूम है लेकिन अगर जाना है तो मुझे 1-3 के बीच में ही जाना है। क्यों भाई? देख क्या है तेरी भाभी मतलब मेरी बीवी वो भी दोपहर को 1-3 के बीच में इधर स्विमिंग सीखने को आती है। तो कल बातों बातों में हम दोनों के बीच में एक शर्त लगी। उसने मुझे बोला कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो आप कल दोपहर को 1-3 के बीच में लेडीज टाइम में स्विमिंग पूल में आके दिखाओ। तो मुझे अपना प्यार सच्चा है वो साबित करने के लिए 1-3 के बीच में जाना है भाई। ये तो इज्जत का सवाल है। तो लेकिन भाई 1-3 के बीच में तो कोई भी मर्द अंदर नहीं जा सकता। तू भी नहीं? नहीं मैं तो जा सकता हूँ। क्यों तू मर्द नहीं है? अरे बचाओ में तो तू मर्द था। ए भाई मुंबई में भी मैं मर्द ही हूँ पर यहाँ पर मर्द के साथ वेटर भी हूँ और वेटर अंदर जा सकते हैं। अरे हाँ ये अच्छा है। तू मुझे वेटर बना के अंदर नहीं घुसा सकता? हाँ वेटर बनाकर मैं तुम्हें अंदर लेके जा सकता हूँ और वैसे भी आज शाम को एक नया वेटर ज्वाइन करने वाला है सुरजीत सिंह। मैं तुम्हें सुरजीत सिंह बनाकर अरे पर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो सरदार है। तो तुम थोड़ी सरदार हो। तो बन जाऊंगा। अगर मैं सरदार बन के आऊ तो तू मुझे अंदर घुसा पाएगा? पाकू पाकू 100%। बस तो मैं एक मिनट अभी बंदोबस्त करता हूँ सरदार होने का। अच्छा नटू काका वो नवरात्रा में आप जो ड्रेस बड़े से लाए थे वो कौन से ड्रेस वाले से लाए थे? अच्छा छगन ड्रेस वाला। आराम से आराम से सूढ़ी यार जाने वाले मैं तो कहता हूँ सारी औरतें फटाफट स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जा रहे हम लोग भी पीछे पीछे उनके साथ जाके स्विमिंग कर रहे हैं। अरे पर सूढ़ी जरा हड़ू वरना सबको पता चल जाएगा। रोशन सिंह उत्साही मेहता साहब सही बात है। मेहता साहब बच्चों को भी बता देते हैं। हाँ क्यों नहीं डॉक्टर आती। अरे टप्पू बच्चों इधर आओ जल्दी आओ जल्दी। बच्चों तुम्हारे लिए एक बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। कल भी स्कूल में छुट्टी है। और कुत्ता हम लोग सिल्वर क्लाउड स्विमिंग करने जा रहे हैं। आहिस्ता बोलो ये कभी नहीं सुधरेगा। बच्चे हैं करने दे यार पीड़े तू भी ना। अरे क्या हुआ भाई सब लोग किस बात पे इतना खुश हो रहे हैं? अरे चाचा जी खुश होने की तो बात ही है हम सब ने मिलकर एक शानदार प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम ये है कि और आज हम सब लोग वहां पे स्विमिंग करने जाने वाले हैं। हाथी अंकल गोली को अपने मामा के घर से बुला दो ना। हाँ अंकल। नहीं बेटा टप्पू गोली तो कल सुबह से पहले नहीं आ सकता। दादाजी आप भी हमारे साथ स्विमिंग करने आओ ना। नहीं। हाँ दादाजी। अरे
अरे नहीं भाई नहीं, मैं वहाँ के क्या करूँगा। नहीं टपूड़ा तुम लोग जाओ। दादाजी आप नहीं आओगे तो टप्पू भी नहीं जाएगा। अरे टप्पू अच्छा भाई ठीक है मैं भी आता हूँ बस। आराम से आराम से आराम। अरे अब मैं जेठालाल को तो फोन करके बता दें कि स्विमिंग का प्रोग्राम बन गया है, उसे बड़ा मजा आएगा सुन के। हाँ बहुत उत्साहित था वो इस प्रोग्राम के लिए। यार लगता है जेठालाल कुछ जरूरत से ज्यादा ही बिजी है, एक ही दिन में दूसरी बार मेरा फोन काट दिया। खैर छोड़ो हम लोग तो तैयारी करें स्विमिंग करने की। अरे सुनो सुनो, अरे भाई इतना चिल्ला क्यों रहे हो, सरप्राइज है। ये लो है सरप्राइज और खुद चिल्ला रहा है। चलो चलो जेठालाल तुम तो एकदम सरदार लग रहे हो। अरे भाई सरदार का गेटअप लिया तो सरदार ही लगूंगा ना, मद्रासी थोड़ी लगूंगा। चलो चलो चलो। एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या? अंदर एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड है, हिडिंबा जैसी, ज्वाला मैडम। उससे बच के रहना, अगर उसके हाथ में आ गया ना तो तुम्हारी हड्डी पसली तो एक हो ही जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे भाई तू फिकर मत कर, थोड़ी देर की तो बात है, तेरी नौकरी नहीं जाएगी। ठीक है चल चल। निकल निकल, जवाब दे, अंदर कैसे घुसा? मेरी लोग को जगता है, शर्म नहीं आता है? चल चल निकलो यहाँ से, दोबारा दिखाई दिया ना तो टांगे तोड़ दूंगी। हद्दी, ये कोई नया वेटर है क्या? जी हाँ आज ही ज्वाइन किया। नाम क्या? बलजीत। ये क्या, तुम सुरजीत बोलते हो या बलजीत बोलते है? नहीं वैसे हमारा नाम बलजीत ही है, बचपन में सब लोग मुझे सुरजीत बोलते थे। और क्या मैं बहुत अच्छा गाता था ना, सब सुरों को मैं जीत चुका था इसलिए सुरजीत। ठीक है देखो एक से तीन यहाँ लेडीज का टाइम है, आंखें ऊपर रख के काम करने का। आंखें ऊपर रख के तो मैं पानी में गिर जाऊंगा। मेरा मतलब है इधर उधर लेडीज लोग को नहीं देखने का, काम पे ध्यान देने का, नहीं तो जैसे उसको बाहर फेंका ना तुमको भी बाहर फेंक देगा। देखो जेठालाल अब कुछ गड़बड़ मत करना वरना मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे लाए चिंता करे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। जा जा वन वन वन। बबीता जी दिखाई नहीं दे रही है कहीं, कहाँ गए बबीता जी? वेटर वेटर वेटर, अरे ओ बहरे हो क्या, कब से चिल्ला रही हूँ वेटर वेटर। वेटर जी एक मिनट बुलाता हूँ। तो तुम कौन हो? बोला बोला। अरे हाँ मैं भी वेटर हूँ, सॉरी। बोलो बोलो। एक ऑरेंज जूस ले आओ। ऑरेंज जूस ओके। अरे जाओ खड़े क्यों हो? हाँ कैंटीन किधर है? हाँ? नहीं आज मेरा पहला दिन है इसलिए सॉरी है, मालूम नहीं है ना। उधर है राइट में जाओ। अच्छा एकदम एंड में ओके, मैं ढूंढ लूंगा ओके। अरे देव अभी जल्दी चलो। हाँ चलो अजली कॉफी। हाय रोशन बाबी। हेलो। चलो चलो तो चले। चलो। हाँ अरे लेकिन बबीता जी नहीं आया, वो तो क्लब पे पहुंच गई, वो चले गए।
मुझे तो लगा वो हम लोग के साथ आएगी। हाँ। अरे वो स्विमिंग कोच है, उन्हें जल्दी पहुँचना पड़ता है। हाँ। तो चले चलो चले क्या और से? अरे क्या टप्पू भिड़े सोनू गोगी सोड़ी डॉक्टर हाथी पिंकू अरे मैदान साफ है जल्दी तैयार हो जाओ स्विमिंग के लिए फैशन गया अभी सब लोग ऐसा डायरेक्ट मुंह पे ऐसा ग्लास लगाते पियो पियो अभी पी लो ना फटाफट ऐसे आंख बंद करके घटघटा जाओ किसी को पता नहीं चलेगा गरम हो जाएगा जल्दी पियो ये क्या बकवास कर रहे हो जाओ जाके स्ट्रॉ ले आओ अरे जाओ डॉक्टर हाथी रेडी हाँ बच्चों चाचा जी आ गए सबने ले लिया अपने सामान चलो अब करते हैं धमाल स्विमिंग का बबीता जी जयराम सिंह फ्रॉम भचाऊ टिंडा बटिंडा बल्ले बल्ले एक मिनट सुनो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है ओ सब सरदार लोग एक जैसे दिखते हैं सी इसलिए मुझे देख के आपको लगा होगा आप छोटी भाई को देख रहे हैं सी बल्ले बल्ले एक मिनट तुम सोडी भाई को कैसे जानते हो वो पूरे मुंबई में हम दो ही सरदार ऐसे हैं सी जिसकी बीवी पारसी है गासी बल्ले बल्ले एक मिनट बल्ले बल्ले तुम्हें ये कैसे पता कि मैं सोडी भाई को जानती हूँ मैं छोटी भाई के घर पे आया सी तो उधर मैंने आपको देखा सी सी विंग में आप रहते हैं ना सी तभी मैं छोटी को बोला सी अरे तुम्हारी सोसाइटी में फॉरेनर भी रहते हैं सी बल्ले बल्ले Ah!
दया सच कह रही थी, बबीता जी मछली की तरह तैर रही है पानी में। सच में जल परी है बबीता जी, जल परी। बबीता बहुत प्यास लगी है, चलो ना कुछ पीते हैं। हाँ तो ये पानी पी लो। क्या दया भाभी, चलो ना कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए पीते हैं। हाँ बबीता सीरियसली चलो ना। ठीक है चलो, तो जूस पीते। ओके सरदार जी। जी कौन? सरदार जी। ओ बॉय, ओ सरदार बॉय। मुझे भाई मत बोलो जी। क्यों भाई, क्यों नहीं बोलने का? वो क्या है कि बचपन में मेरी एक छोटी सी बहन कुंभ के मेले में खो गई थी, तो तब से कोई मुझे भाई बुलाता है तो मुझे उसकी याद आती है ऐसी। अरे 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 वेरी सॉरी यार। अरे सॉरी सॉरी सरदार जी, बोलेंगे चलेगा? हाँ ओ जी, ए टू जेड में भाई का बी छोड़ के कुछ भी बुला सकते हैं जी। बल्ले बल्ले। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है? हाँ थोड़ा थोड़ा। ओ दया भाभी, वो मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था इनको देख के, बट इन्होंने कहा ये हमारे सोसाइटी में आ चुके हैं। और इनफैक्ट रोशन भाभी, इन्होंने कहा कि आपके घर पे भी आ चुके हैं। हाँ मेरे घर पर मैंने तो इनको कभी नहीं देखा। ओ जी उस वक्त आप घर पे नहीं थे जी। बल्ले बल्ले। पक्का रोशन पार्टी शार्टी करने लाया होगा। एनीवेज सबके लिए ऑरेंज जूस है ना? अरे श्योर। हाँ मैं भी। बहुत बहुत अच्छा है ऑरेंज जूस। बोलिए कितना ग्लास ले आऊं? 6 ऑरेंज जूस लाइए। ओके बल्ले बल्ले। एक मिनट, बाप रे कहीं दया मुझे पहचान तो नहीं गई? एक जूस ठंडा लाना। सोसाइटी के बालकनी हो, अहमदाबाद स्टेशन हो या स्विमिंग पूल हो, यह दया पीछे से टोके बिना रह नहीं सकती। कुछ भी कहो बबीता, आज तुम्हारी वजह से हम सब स्विमिंग सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच डियर। मोस्ट वेलकम। सो थैंक यू बबीता जी। ये बात तो सच है, वरना वही रोज की तरह घर बैठकर हम टीवी देख रहे होते। साची बात है अंजलि भाभी, बबीता सच्ची। स्विमिंग सीखने में इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि पूछो ही मत। अरे इतना मजा क्यों आ रहा है पता है? क्यों? क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारे पति हमारे साथ नहीं है। टप्पू के पापा अगर यहाँ पर होते ना तो मुझे कहता डूबी नॉनसेंस, तू यहाँ तैरने आई है, जूस पीने नहीं आई।
बराबर है जी, आपका जूस और बराबर आके नहीं देख लीजिए, ज्यादा ठंडा तो नहीं है जी? पल्ला पल्ला, ये आपका नहीं है, ये भी आपका नहीं है, ये ओ जी ये तो नहीं है, ये आपका नहीं है, ये तो मेरा ही है। ओ जी ये बिल्कुल नहीं है। ये है कि नहीं? अभी एक ही बचा है तो यही है। हाँ ठंडा है। वैसे एक बात बताऊं, हमसे ज्यादा स्विमिंग सीखने की जरूरत हमारे पति देव को है। सही बात है अंजलि भाभी, कितने फैलते जा रहे हैं वो। अरे हमसे ज्यादा तो उनको फिट रहना चाहिए। अरे आप लोग मानोगे नहीं, शादी के पहले टप्पू के पापा ककड़ी जैसे थे और अब कलिंगर जैसे हो गए हैं। नहीं नहीं, देखिए ऐसे अपने अपने पतियों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अरे भाई हमारे हिंदुस्तान में तो पति पतलेश्वर होते, मतलब परमेश्वर होते। बल्ला बल्ला, हाँ आपकी बात सही है भाई। भाई जी, सरदार जी, ये मेहता जी अभी तक सबको लेके आए क्यों नहीं? टप्पू के पापा आए हैं। ओहो, ये तो आपको मोबाइल बज रहा है। पता है टप्पू के पापा के मोबाइल की रिंग भी ऐसी ही है। अरे तो फोन उठाइए। अब उठा लिया। कीजिए बात कीजिए। हेलो हेलो सेठ जी, मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से नटू काका बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ जी हाँ जी, अरे सेठ जी मैं नटू काका बोल रहा हूँ। ये कुछ खाओगे? हाँ सरदार जी। बल्ला बल्ला, क्या खाओगे? चीज ग्रिल सैंडविच। ओके फाइन। अरे आप पता है नटू सिंह जी, बोलिए बोलिए। सेठ जी नटू सिंह नहीं, नटू उंधाई वाला। ओ पता है जी, बल्ले 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 बल्ले। लगता है सेठ जी कोई पंजाबी पिक्चर देखने बैठे हैं। अच्छा सेठ जी आप आराम से पिक्चर देख लीजिए, बाद में मैं फोन करता हूँ। अच्छा सुनिए, तीन चीज ग्रिल सैंडविच ठीक है? अभी लाया जी। ओ बल्ले बल्ले। अरे सुनिए, हमारी दुकान में भी नटू नाम के काका है। हाँ जी, पूरी दुनिया में नटू नाम का बहुत नमूने घूम रहे हैं जी। बल्ले बल्ले। अरे क्या खूबसूरत स्विमिंग पूल है यार, मतलब अपनी गोकुल नाम की औरतें कितने हैं। देखो भाई देखो। ये सब यहाँ कैसे? अरे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी यहाँ? पर गोगी, अरे बापूजी भी है।
बेटा गोगी अरे रोशन आप लोग यहाँ कैसे? हाँ वही तो। क्यों हमें देख के खुशी नहीं हुई क्या? एक से तीन का टाइमिंग तो सिर्फ लेडीज लोगों के लिए अलाउड है। अरे हमें पता है कि एक से तीन लेडीज का टाइमिंग है, लेकिन हम लोगों ने कोई नियम नहीं तोड़ा है भाई। जब सबकी छुट्टी थी, बैंक हॉलिडे था, तो सोचा कि भाई ये स्विमिंग आज की थोड़ा सा फैमिली के साथ की जाए। तो हमने बबीता जी से रिक्वेस्ट किया कि भाई फैमिली के साथ स्विमिंग करनी है, कुछ कीजिए। इन्होंने क्लब ओनर से बात की और हमें खास परमिशन दिलवा दी आज के लिए। क्या लेकिन बबीता जी, आपने तो हमें कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। बबीता है कि नहीं सरप्राइज? अरे मैं यहाँ घुसने के लिए सरदार के गेटअप में घुस गया और ये लोग आराम से गेट के अंदर आ गए। हम लोग तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन के तैयार हैं, चलो मिलकर स्विमिंग करते हैं। सही सोड़ी, जरा एक मिनट। जिस किसी को भी स्विमिंग नहीं आती है वो बबीता जी के पास जाके खड़े हो जाएंगे। अरे मैं नहीं जा सकता। लेकिन एक साथ, एक लाइन में और पूरी डिसिप्लिन के साथ। सही बात है और करेक्ट प्लान। एक मिनट, लेकिन मेहता साहब टप्पू के पापा नहीं आए? अरे दया भाभी, मैं तो जेठालाल को इन्फॉर्म करने के लिए कई बार फोन कर चुका, आज वो फोन ही नहीं उठा रहा। मैं ट्राई करता हूँ अभी। कर फोन, कर जेठा को फोन कर। हाँ कीजिए जरा। हेलो, फिर काट दिया। हाँ जी सरदार जी। हाँ जी हाँ जी। दया भाभी मैं एक बार और ट्राई करके देख लेता हूँ, शायद उठा ले। अबे हेलो, और चालू रखना, एक और फोन आ रहा है। क्या हुआ मेहता साहब, फिर से काट दिया ना? हेलो जी, रॉन्ग नंबर है जी। आज क्या हो क्या रहा है यार, जेठालाल चार बार मेरा फोन काट चुका है। मेहता साहब हम तो आपको कह ही नहीं थे यार। पता नहीं आज इतना भी क्या बिजी है, जेठालाल के फोन बार बार कट कर रहे हैं। हेलो, ओके जी भाई। और बादशाह सत श्री अकाल, केड़ा पिंड? सेम टू सेम पिंड। बल्ले 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 बल्ले। बादशाह हम सब के लिए भी जोशों से आ गया यार। मेरे लिए तीन चार ग्लास। बल्ले बल्ले। अभी लाया जी, अभी लाया। चला जी बोलिंग शुरू। छोटी के दो, भीड़े के तीन। अरे मैं क्यों जूस लेना जा रहा हूँ, और वैसे भी अभी वेटर गिरी करने की जरूरत ही कहाँ है। चल चल जेठालाल, अभी सरदार में से वापस गच्ची बन जा और इन लोगों के साथ घुस जा वापस पानी में। ये क्या कर रहा है, फोटोग्राफी? किसके फोटो निकल रहा है भाई? कुत्तेरी। क्या भाई साहब, स्विमिंग पूल में पानी की फोटो निकाल रहे? हाँ हाँ, इसका जूम पावरफुल है ना? बढ़िया बढ़िया, पावरफुल है एकदम। अगर यहाँ से मैं सामने वाली बिल्डिंग पे जूम करूंगा तो यहाँ से होगा? ये किस काम के लिए चाहिए कैमरा तुमको? पर्सनल यूज के लिए चाहिए। कोई गलत सलत फोटो मत निकालना भाई। अरे तू, तुझे मैंने मना किया था ना, ये कैमरे से गलत सलत फोटो मत निकालना। अरे इधर उधर क्या देख रहा है, चल ला कैमरा ला। लड़कियों का फोटो निकलता है, वो क्या रहा है?
ये तो जेठा भाई है। जेठा भाई? जेठा जी? जेठालाल तो डूब रहा है, बचाओ उसे कोई। यार दया पापी को कोई बचाओ, उनको तैरना नहीं आता। पानी निकालो, शाबाश, जोर से, हाँ कोशिश करो, हाँ। दया भाभी? हाँ, कोशिश करो और, शाबाश, शाबाश, जेठालाल, जेठा तू ठीक है? हाँ, जेठालाल, आर यू ओके, तुम ठीक हो ना जेठालाल? हाँ, ठीक हो ना? बाबू, बाबू तुम ठीक हो? ठीक हो जाओगे? ठीक है चाचा जी, ठीक है, चिंता मत कीजिए। ठीक हो ना तुम? जेठालाल, जेठालाल तुम ठीक हो ना? कौन हो भाई? अरे भाई जेठालाल, तुम जेठालाल और मैं तुम्हारा खास दोस्त तारक मेहता। अरे सारा गोकुल धाम खड़ा है, देखो मैं आत्मरण तुकरण भिड़े। ये अय्यर, अय्यर है बेटा। मैं बाबूजी, मैं पत्रकार पोपटलाल, मैं डॉक्टर हाथी। अरे मैं रोशन सिंह सोनी। यार याद आया कुछ जेठालाल? कुछ याद नहीं आ रहा है भाई। किसी को देख के कुछ याद नहीं आ रहा। एक मिनट, इधर देखो। बबीता जी, बबीता जी का काम लिया फिर फिसल गया। जेठा भाई आप ठीक हो ना? आप थैंक गॉड। आपको पता है दया भाभी को बिल्कुल स्विमिंग नहीं आता, फिर भी कुछ भी सोचे बगैर आपके लिए पानी में कूद पड़ी। दया भी आई थी पानी में। दया भाभी मुझे आप पे गर्व है। ये होती है भारतीय नारी। शाबाश बहू। जेठा बना, आप सरदार जी के गेटअप में क्यों आए यार? हाँ बोलो। बोलो ना जेठा भाई। बोल बोल। ओ, ये फोटोग्राफर मेरी दुकान में कैमरा लेने आया था, और तभी वो पूछ रहा था सबसे ज्यादा जूम वाला कैमरा चाहिए, तो सामने की बिल्डिंग के वो बारी में ऐसा जूम पहुंच सकता है। तभी मुझे इसके ऊपर शक गया था कि इतना बड़ा जूम वाला कैमरा इसको क्यों चाहिए। फिर फोन में कुछ बात कर रहा था, सिल्वर क्लब, तो मुझे डाउट हुआ कि कुछ सिल्वर क्लब पहुंच के उल्टा सीधा काम करने वाला है, इसलिए इसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए मैं ये सरदार बन के इधर आ गया। Oh my God! इसने हमारी औरतों की फोटो खींची थी, तेरी हिम्मत कर गई। फोटो खींचते फोटो खींचते
चाचा जी रुकिए, मैं हूँ ना, चिंता मत कीजिए। वाह जेठा भाई वाह, आपने तो बिल्कुल हीरो जैसा काम किया है। अरे जेठालाल, सरदार बन के बहुत असरदार काम किया है, बल्ले बल्ले। अरे उसके हाथ से कैमरा लेकर सारी फोटो डिलीट कर दो। हाँ? अरे फोटो क्या डिलीट करती है, मैं ये कैमरा ही डिलीट कर देता हूँ। अरे नहीं सॉरी नहीं मत कर। अरे क्यों बाबूलाल? अरे हमारे पास यही एक सबूत बचा है पुलिस को दिखाने के लिए, और मैं इसके खिलाफ आर्टिकल भी लिखूंगा तूफान एक्सप्रेस में। सही कह रहे हो बाबूलाल, इस बदमाश की तो ये सबूत अपने पास रखता हूँ मैं। आइए सर। ला नाम लिया और पुलिस आ गई। अरे इंस्पेक्टर साहब आगे पता चलेगा। आइए आइए आइए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये मवाली स्विमिंग पूल में लेडीज लोगों की फोटो खींच रहा था। ये तो अच्छा हुआ ये जेठालाल जी ने इसे पकड़ लिया। सारे क्यों नहीं डाला? चलो पकड़ो, और ये सबूत के तौर पे क्या था? लेके जाओ इसको। बदमाश, बस चले तो जान से मार दूं ऐसे लोगों को मैं। क्या रे, बहुत लड़कियों के फोटो खींचता है, अब मैं तुझे बताता हूँ कैसे फोटो खींचता है। वो पकड़ने वाले भाई साहब, आप भी चलिए पुलिस स्टेशन। अरे मैं क्यों? अरे आपने इनको पकड़ा तो आपको कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। चलिए चलिए। और तो ठीक है जेठालाल, मैं भी साथ में चलता हूँ। चलो हाँ, हम भी साथ में चलते हैं ना। सबको आने की जरूरत नहीं है, आप चलिए। चलिए मैं आता हूँ कपड़ा बदल के। ठीक है ओके। बबीता जी थैंक यू। इट्स ओके, आप ठीक हो ना? आपकी वजह से ठीक हूँ। एक मिनट। टेप निकली, वो दाढ़ी चिपकाने के लिए लगाए। अरे हाँ। सॉरी। इट्स ओके, आप ठीक हो ना? संभल कर जाना। चलो तो फिर हम क्या करें, स्विमिंग करें? कैसे सब मजाक कर रहे हैं स्विमिंग पूल में। वाह ऊपर वाले, तेरा खेल है निराला, जो ना मांगे उसे दिवाली और जो मांगे उसका दिवाला। ओ भाई चलो 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 भाई चलो। वाह मजा आ गया स्विमिंग पूल में। हाँ बहुत मजा आया। हाँ भाई बबीता जी थैंक यू वेरी मच, आपकी वजह से कम पोपट लाल की जबान से पहली बार कोई पॉजिटिव बात तो निकली। सही बात है। बरोबर। क्या नेता साहब आप भी। हाँ मजा तो बहुत आया, लेकिन ये सोड़ी ने मुझे अचानक उठा के पानी में फेंक दिया। अरे बताना तो चाहिए तो मुझे पानी में फेंकने वाले हो, वो तो अच्छा कि मैं स्विमिंग जानता हूँ, अगर नहीं जानता तो डूब जाता। मजाक कर रहा हूँ यार। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी,
कि जेठालाल ने वेटर बनकर उस बदमाश को पकड़वा जरूर दिया। वेरी ट्रू। हाँ, ये जेठा ने बहुत अच्छा काम किया। हाँ, लेकिन बापूजी, इतनी रात हो गई, अभी तक टप्पू के पापा क्यों नहीं आया? हाँ, आप जरा जेठा भाई को फोन कीजिए ना। हाँ। अरे अंजलि, ऑलरेडी मैं 3-4 बार कॉल कर चुका हूँ, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। पर पुलिस स्टेशन में इतनी देर क्यों लगी होगी? यार मैंने सुना है कई बार पुलिस वाले फरियादी को मुजरिम बना देते हैं। जी, अब क्या होगा? सोरी भाई, कुछ भी उठपटांग बातें करते रहते हैं। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? बेचारे घबरा रहे हैं ना कितना। दया भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। अरे सोरी, क्या बोल रहे हो यार, ऐसी बात इस वक्त क्यों कर रहे हो जिससे दया भाभी को चिंता हो? नाइतर का है, हमेशा उल्टी सीधी बात करता रहता है। दादाजी, पापा आ गए। अरे क्यों, पापा आ गए। क्या जेठालाल, यार इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम्हारा फोन बंद कैसे आ रहा है? अरे भाई, वो स्विमिंग पूल में गिर गया था ना, तो फोन मेरी जेब में था, गया फोन। ओहो, लेकिन इतना टाइम यार पुलिस स्टेशन में, तुम्हें कोई ज्यादा देर नहीं हो गई? हाँ? अरे क्या बताऊँ मेहता साहब, कितनी इंक्वायरी करते हैं लोग, कितना सवाल पूछते हैं, और एक भी जवाब देने में अगर जबान फिसल गई होती ना मेरी, तो मुझे अंदर कर देते। जेठालाल, कानून का हेल्प करने के लिए थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ा तो उसमें क्या हो गया? हाँ तो मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ भाई, ये मेहता साहब ने सवाल पूछा ना, इतनी देर क्यों हो गई, उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं पूरी कंप्लेन और लिखा के आ रहा हूँ भाई। बिटिया, मुझे तुझ पे गर्व है। बापूजी, तू एक जागृत नागरिक है। सच जेठा भाई? अरे चाचा जी, सिर्फ जागृति नहीं है, अपने अधिकारों के प्रति सचेत और सक्रिय भी है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जेठालाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े आज ये घोषित करता हूँ कि आने वाले 26 जनवरी को तुम्हें गोवीपू दिया जाएगा। गोवीपू? गोवीपू वो क्या है? गोकुलधाम वीरता पुरस्कार। अरे बबीता जी से स्विमिंग सीखने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले, और बदले में मुझे मिला क्या? गोवीपू। फट